हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एडवोकेट कीर्ति भारद्वाज एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज लॉ एकेडमी में। तो सुप्रीम कोर्ट के जो लेटेस्ट जजमेंट की हमने सीरीज स्टार्ट की थी, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि डेली बेसिस पर आपके अपने चैनल भारद्वाज लॉ एकेडमी पर जो है डेली बेसिस पर आपको सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट मिलती रहेंगी, उसी श्रृंखला में आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आइएगा, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग टुडेज इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट। अगर ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप फ्री PDF डाउनलोड करके हमारे साथ यानी कि भारद्वाज लॉ अकेडमी के साथ प्रिपरेशन बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग टुडेज इम्पॉर्टेंट रीसेंट जजमेंट। तो पहली जजमेंट शिवा शंकर दास वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड अनदर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसमें, और इसमें बेसिकली जस्टिस गवाई और जस्टिस मेहता का जो पैनल था, उन्होंने उड़ीसा हाई कोर्ट की जजमेंट को बेसिकली रिवर्स कर दिया, उसके ऑर्डर को जो है रिवर्स करते हुए जो बेसिकली आते हैं इसके मेन पॉइंट पर। द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली रूल्ड दैट रिक्वायरिंग अ पॉलिटिशियन टू एब्सटेन फ्रॉम एंगेजिंग इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज एज अ कंडीशन फॉर ग्रांटिंग अ बेल वुड वायलेट द फंडामेंटल राइट। तो अगर किसी पॉलिटिशियन को आप जो है उसके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से रोकते हैं, और ये कंडीशन अगर आप बेल में लगा देते हैं कि यू आर नॉट सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, तो आप उसकी फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं वॉयलेट करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो भैया डबल बेंच की ये जो जजमेंट थी वो आई थी, उसने उड़ीसा हाईकोर्ट की इस जजमेंट को, जिसमें एक पॉलिटिशियन को रोका गया था कि भाई आप जो है एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर हो सकते हैं, उसको रिवर्स करते हुए ये स्टेटमेंट दिया। आते हैं, बढ़ते हैं अब पूर्णी देवी एंड अनदर्स वर्सेस बाबूराम एंड अनदर्स। लिमिटेशन एक्ट का केस है। टाइम स्पेंट कंटेस्टिंग बोनाफाइड लिटिगेशन एट रॉन्ग फॉरम वुड बी एक्सक्लूडेड वाइल कंप्यूटिंग लिमिटेशन पीरियड। तो अगर आपने बोनाफाइडली जस्टिस करोला एंड जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने इस जजमेंट में बेसिकली सेक्शन नंबर 14 क्लॉज 2 जो लिमिटेशन एक्ट का है, जिसमें ये क्लियर कट कहा गया है कि भैया वेव ऑफ हो जाएगा अगर आप बोनाफाइडली, द मेन पॉइंट इज दैट बोनाफाइडली ड्यू डिलीजेंस से अगर आप किसी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जो है दूसरे कोर्ट में अगर आप सूट को करते हैं फाइल, तो जो प्रोसीडिंग्स है उनका जो लिमिटेशन पीरियड है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। जो ऑनरेबल बेंच है उसने क्या कहा, पॉइंटिंग आउट दैट सेक्शन 14 क्लॉज 2 ऑफ लिमिटेशन एक्ट क्रिएट्स एन एक्सेप्शन दैट वेव्स द स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन इन केसेस दैट आर परस्यूड इन गुड फेथ। तो बेसिकली जो गुड फेथ में परस्यू किए जाते हैं उन्हीं पर यह एप्लीकेबल होता है। थर्ड पे आते हैं, इस ये जो जजमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है आपका, ब्लूमबर्ग टेलीविजन प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर्स वर्सेस जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड। प्री ट्रायल इंजंक्शन क्या है बेसिकली, ये जजमेंट में जो बेंच थी उसमें जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI साहब भी जो है उस बेंच का हिस्सा थे। तो पहले पढ़ते हैं क्या था। प्री ट्रायल इंजंक्शन अगेंस्ट द मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट अगर आप प्री ट्रायल इंजंक्शन, शुड बी एन एक्सेप्शनल इम्पैक्ट ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच मस्ट बी सीन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्री ट्रायल अगर आप इंजंक्शन किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगा देते हैं वो एक्सेप्शनल सिचुएशंस में लगाई जाती है, और दूसरी चीज़ क्या है कि दैट इज़ बार फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ स्पीच, और फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है। यहाँ पर फर्दर क्या आता है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द पब्लिशिंग ऑफ मीडिया स्टोरीज एंड जर्नल पीसेस एंड डिफॉर्मेशन लॉ सूट द सुप्रीम कोर्ट हैज एडवाइज द ट्रायल कोर्ट जजेस टू एक्सरसाइज कॉशन वाइल ग्रांटिंग प्री ट्रायल इंजंक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जो प्री जो लोअर कोर्ट है, जो ट्रायल कोर्ट है, उनके जजेस को इस प्रकार के जो इंजंक्शन है, जो प्री ट्रायल इंजंक्शन है, उनको ग्रांट करते वक्त थोड़ा सा कॉशन केयर लेना पड़ेगा, आप आँख बंद करके या एक ऐसा कोई भी इंजंक्शन नहीं ग्रांट कर सकते हैं दैट विल इन्फ्रिंज द फ्रीडम ऑफ स्पीच, दैट इज अ फंडामेंटल राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी में जैसा मैंने अभी कहा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड साहब जो है हमारे, अलॉन्ग विद जस्टिस JB पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, जिनकी ये ट्रिपल बेंच थी, उन्होंने रिमार्क किया, इट ओवर टर्नड एंड इंटरिम इंजंक्शन जजमेंट डायरेक्टिंग ब्लूमबर्ग टू रिमूव अ पीस दैट वॉज पब्लिश्ड अगेंस्ट द
जी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो ये बेसिकली जो जी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के अगेंस्ट बेसिकली एक डिफामेटरी जो स्टेटमेंट पब्लिश की गई थी उसको हटाने के बारे में बात की गई। अब आते हैं लास्ट केस पर, मैसर्स बिस्को लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज। कस्टम एक्ट का केस है। सेक्शन 71 जो है इट इज़ इन एप्लीकेबल इफ इम्पोर्टेड गुड्स वर स्टॉक आउटसाइड नोटिफाइड पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस विद द परमिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली ये केस आपका कस्टम एक्ट से रिलेट करता हुआ है। सो ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा। और अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो कि आपका क्लासेस 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं, अगर आपको इस बैच के साथ जुड़ना है तो आप मुझे इस नंबर 8377032873 कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और डेली बेसिस पर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, साथ बनाए रखे, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।